अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला याद हो गया होगा। मैं आपको लिख के बता देती हूँ दोबारा से। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम जो है क्वेश्चन से निकालते हैं। उस जब तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता होगी, तब तक हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको एक ईजी क्वेश्चन जो है करवाऊँगी, उसके बाद एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाऊँगी। 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम वो देखते हैं कि हमारे पास क्या से चीज़ है, हमारे पास क्या है ए बी सी में से। तो जो हमारे पास x² के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास a होती है, जो x कोएफिशिएंट के साथ होती है वो b होती है, और जो कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास c होगी। तो ये हमारे पास ए भी है, बी और सी हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं। अब बस हमें क्या करना है, हमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें हमने ये पुट कर देनी है वैल्यू सब। हम यहाँ लिख भी लेते हैं ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 1। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें जो हम ए बी और सी की वैल्यू सपोर्ट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। माइनस जो हमारे पास पहले है वही सेम लिखेंगे। बी की क्या वैल्यू है, 8, हमने यहाँ 8 लिख लिया। बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 लिया। स्क्वायर माइनस 4 सेम जैसे है वैसे लिखेंगे। ए की क्या वैल्यू है, 5, और सी हमारे पास 1 है, 2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, हमने यहाँ 5 लिख लिया। माइनस 8 सेम ही रहेगा। जब हम 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 8 हमारे पास जो 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 64 आता है। माइनस 5 4 20, और जो 20 हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 20 ही आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यहाँ पे आ गया। एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से हम जब 20 को निकालेंगे तो हमारे 44 हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10। अब हम इसका जो है 44, अब ये स्क्वायर किसका होता है हमें समझ नहीं आ रहा कि 44 किसका हो, उसके मिहाज से नहीं होता। लेकिन हम जो है इसका हम जो है ये एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ का स्क्वायर लेकिन कटिंग हो रही है, तो हम वो करके सोल्यूशन अपना करते हैं। अब 44 सबसे पहले हम छोटी वाली शुरू करें, 2 से 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, और 11 अब किसी भी नहीं होता तो हम 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बना है, 2 का स्क्वायर और 11। हम अब यहाँ लिखते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 11, 44 ये 10 44 हमारे पास ये आए कट। हम जो है हम अलहदा करके जब लिखा है अंसम लेके, अभी 2 का स्क्वायर है इसके कट जाता है। माइनस 8 प्लस माइनस, अभी 2 का स्क्वायर कट है तो 2 हमारे पास बाहर आ गया, और 11 किसी का स्क्वायर नहीं बनता वो, इसलिए इसके अंडर रूट में ही रहेगा 10। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारे पास अभी 8 है ये 2 है, ये दोनों में कुछ कॉमन हमारे पास आ रहा है, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 कितने ज़्यादा 8 होते हैं, 2 4 ज़्यादा 8 होता है, माइनस 4 प्लस माइनस, हमने साइंस को नहीं छेड़ना, सिर्फ जो कॉमन आ रहा है हमने वो कॉमन ले लेना है, और जो फिर बाकी बचता है वो हम लिखें। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 ख़त्म हो गया यहाँ से,
11 आ गया, माइनस 10, अभी कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 5 10, माइनस 4, प्लस माइनस अंडर रूट 11 बाय 5। तो अब हमारे पास ये हमारे पास जो है x का आंसर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमारे पास तीनों गिवन थी, ए बी सी की वैल्यू गिवन थी, हमने बस फॉर्मूले में जो है पुट किया, हमने सॉल्व करते रहे, जो कटिंग हो रही थी, जो माइनस एडिशन हो रही थी, हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमने एलसीएम लिया, उसके बाद फिर जो चीज़ कटिंग होती जा रही थी हम जो है कैंसिल करते जा रहे थे, हमारे पास ये सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। अब हम जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 7 है, मैंने आपको सिंपल ए बी सी जब हमारे पास गिवन होगा वो करने सॉल्व कराया। अब मैं आपको ये दूसरे तरह जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको भी किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे, उसके बाद फिर हम उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके अपना आंसर लेकर आएंगे। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है 3 x - 6 - 4 / x - 5 = 1। अब यहाँ पर ना हमारे पास कोई एक ए का स्क्वायर ना है, ना बी एक्स है, ना सी है कॉन्स्टेंट में, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको जो है ना कुछ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करेंगे। अब आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप इन दोनों का एलसीएम लें, सॉल्व करें, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या तो फिर बहुत साइड्स पे x - 6 और x - 5 को मल्टीप्लाई करवाएँ, यहाँ से कटिंग आउट हो जाएगी और वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी सेम ही। दोनों मेथड करेंगे, जो मर्जी करें यहाँ से सेम ही आता है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं एलसीएम ले लेती हूँ x - 6 x - 5, यह हमारे पास मैंने कैल्शियम ले लिया जो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर में थे उनका, और यहाँ x - 6 है, x - 5 नहीं है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 - 4, अब यहाँ x - 5 है, x - 6 नहीं है, तो हमने यहाँ पे x - 6 लिख लिया = 1। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उससे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 x - 3 - 5 = 15, माइनस का साइन आएगा, -4x - -+4 = 24। अब इसको भी हम नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई आपस में करवा लेते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, x x से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास x का स्क्वायर आ गया। अब ये फर्स्ट वाली फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5x आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 5 के साथ माइनस के साथ है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा दिया है। अब सेकंड वैल्यू जो है उसको हम मल्टीप्लाई करें इस 4 के साथ, इस पहले इस x को 6 करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा, 6x, और ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस में चेंज हो जाते हैं, और 5 6 30 होता है हमारे पास। अब ये 3x - 4x - x आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए हमने जो है यहाँ पे माइनस लगाया है। अब 24 में से जब हम 15 निकालते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे हमारे पास बड़े साइन प्लस के है, यहाँ पे हमारे पास प्लस में आ गए। अब 24 में से 15 को निकालते हैं हमारे पास क्या आता है देख लेते हैं हम यहाँ पे, अब ये बड़ी वैल्यू नहीं है छोटी है, तो हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, वहाँ पर एक चल भेज दिया, 5 - 14 निकाल दें तो हमारे पास 9 बचता है, और 1 - 1 निकालेंगे 0 ही आएगा, तो मतलब हमारे पास 9 आ गया है, 9 एक्स का स्क्वायर सेम रहेगा, -5x - 6x - 11x + 30 = 1। अब ये लिखते हैं -x, अब ये जो है यहाँ उस साइड पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो सब शिफ्ट कर लेते हैं, -x + 9 = 1। अब सारा हमने वहाँ भेज दिया है, एक्स का स्क्वायर -11x - 30 - x + 9, जब ये सब वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम दोबारा वही आंसर है, क्योंकि वन के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उस वैल्यूज में, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, -11x + 30। अब बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम सारी छोटी सी वैल्यू हैं तो अब हम इनको उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, अगर हम वहाँ पे करते भी हैं तो ये माइनस आएगा तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा और सेम यहाँ से फिर भी आएगा, तो हम यहाँ इन छोटी वैल्यूज़ उनको हम वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं,
पहले सारा सेम जैसे है वैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, यहाँ माइनस होता है जब शिफ्ट होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस एक्स, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस 9। एक्स का स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस 11x प्लस एक्स, एक एक्स चला गया हमारे पास, तो माइनस 10x, 30 में से 9 निकालते हैं 21 बनता है, बड़ी वाली प्लस में है तो हमने प्लस ही यहाँ पे लिखा। ये अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा ना। अब ये देखें आप कि हमारे पास ये ए बन रहा है, ये बी आ गई, सी आ गया। अब हम इनको लिख लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है माइनस 10। जो साइन होते हैं हम उनके भी साथ ही लिखते हैं। अब इक्वल टू प्लस 21। अभी हमारे पास ए बी सी तीनों आ गई हैं। अब हम इनकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बस हमें पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग याद हो गए क्योंकि हम जितनी दफ़ा ये कर चुके हैं। अब क्या फॉर्मूला सेम ही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बिकॉज के माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई 2 ए। अब बी की वाली क्या माइनस 10 है, माइनस 10 हम ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख लेते हैं। बी की वैल्यू माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 21 है। टू ए हमारे पास क्या 1 है, हमने 1 लिख लिया यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस अंडर 10 का जब हम होल स्क्वायर लेंगे माइनस खत्म हो जाए प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। और जब 221 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 84। 2 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से अब हम जब 84 को निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस में है क्योंकि बड़ी वाली अक्सर प्लस में है। अब 16 का हम जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको छोटी वैल्यू है तो आप सीधा सीधा जो है एलसीएम भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 16 होता है, 2 4 8, 2 2 2, ये स्केयर बन रही है, स्केयर हो रहा है, जब स्केयर से कट जाएगा तो 2 2 बचेगा हमारे पास, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 4 ही आएगा। अब क्या करना है, सिंपल एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे जो है सेपरेट करके लिखते हैं दोनों चीज़ों को, एक्स इक्वल टू 10 प्लस 4 बाय 2 और एक दफ़ा लिखेंगे एक्स इक्वल टू 10 माइनस 4 बाय 2। 10 प्लस 4 14, 2 12 2 2 7 14, यहाँ 7 आ जाएगा हमारे पास आंसर हमारा। और x इज इक्वल टू 10 में से 4 निकालते हैं माइनस करते हैं तो 6 आ जाता है, 2 2 1 2 2 3 6, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 7 3। तो ये हमारे पास सिंपल हमारा आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला से चाहे किस तरह के भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो अगर आपको सीधा सीधा ए बी सी गिवन हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है इस तरह किसी भी चीज़ में दिया हो कि एक्स बाय एक्स माइनस 6 माइनस 4 एक्स माइनस 5 इजिकल टू 1, या हमारे पास कुछ भी दिया होता है ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए इजिकल टू 2, इस तरह भी किसी तरह भी दे सकते हैं। तो आप सिंपल इस तरह भी होता है क्या करना, सिंपल एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद शिफ्ट कर देना उस सेट पर साइन, उसके बाद हमारे पास एक्स ए बी और सी की वैल्यूज आएंगी, उनको सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरी वीडियोस को जो है शेयर कीजिए ताकि जो है ये आगे लोगों तक पहुंच सके और जिसको कुछ प्रॉब्लम होती है वो भी अपनी सॉल्व कर सके मेरी वीडियो देखकर। मुझे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आगे से भूलिएगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।